लेट्स स्टार्ट आवर ज्यादा बिजनेस स्टडीज मेडिसिन क्लास का हो रहा है। ओवन। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स। व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स और टारगेट्स दैट अ बिजनेस वर्क्स टूवर्ड्स। नाउ व्हाई एनी बिजनेस सेट अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? दे गिव वर्कर्स एंड मैनेजर्स अ क्लियर टारगेट टू वर्क टूवर्ड्स एंड दिस हेल्प्स मोटिवेट पीपल। वर्कर्स जो हैं और मैनेजर को एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ भाई हमने ये टारगेट अचीव करना है, 10 लाख की सेल करनी है, 5 लाख की करनी है, या हमारा जो है ये एयर एंड तक इतने हमने यूनिट्स जो है सेल आउट करने हैं। ठीक है, टेकिंग डिसीजंस विल फोकस ऑन विल इट हेल्प अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। पेप्सी का कोक का इनके अपने टारगेट्स होते हैं कि कंपेटिटर की इतनी सेल है तो हमारी भी इतनी ही सेल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव हेल्प यूनाइट द होल बिजनेस टूवर्ड्स द सेम गोल। सबको पता होता है हाँ ये टारगेट अचीव करने हैं तो सारे मिलके जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे ठीक है, जैसे शाम के ऑब्जेक्टिव्स होगा कि भाई जो भी मार्केट में अब जो स्पेशली बकरीद का टाइम है तो जो भी डिमांड है उसको मीट किया जाए, तो सारे लगे हुए होंगे कि किसी तरह जो है कोई शॉर्टेज ना हो जाए। ठीक है ना, पेप्सी वाले भी लगे होंगे कि 12 जितना ज़्यादा आपका शान मसाला बकरीद में बिकता है और रूह अफ़ज़ा रमज़ान में, तो वो आपके और पूरे आम हालात में इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती। ठीक है, बिजनेस मैनेजर्स कैन कंपेयर हाउ द बिजनेस हैज परफॉर्म्ड विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो आप अपने टारगेट लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो तो, या फिर अपने कंपेटिटर से। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? तो उसमें सर्वाइवल है, प्रॉफिट्स है, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स है, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस है, मार्केट शेयर है, सर्विस टू द कम्युनिटी है। बिजनेस सर्वाइवल पहले क्यों है, प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप जब सर्वाइव करोगे जब तो प्रॉफिट कमाओगे ना। 2 साल टिपिकली स्पीकिंग आपको लगते हैं। भाई मैं अगर कोई रेस्टोरेंट खोलूं तो ये थोड़ी होगा कि पहली बार में ही मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाए। आई मीन अब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, मैंने व्हाट्सएप यूट्यूब मार्केटिंग करनी होगी, फिर फूड पांडा और आपके सेवियर और इनमें डील्स चलानी होगी, और फिर ये होगा कि कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता आपके बिल्डअप होते हैं फर्स्ट आप। और जैसे अभी आपका सर्वाइवल टाइम है तो 6 महीने तक जितने भी स्कूल्स हैं या आपके शादी हॉल्स हैं या आपके जो डाइन इन वाले रेस्टोरेंट्स हैं वो सब अपनी जेब से पे कर रहे हैं, तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक नहीं सर, है, फिर प्रॉफिट जब आप 1-2 साल पे आ जाते हो तो ये सर्वाइवल हो गया, तो फिर आप प्रॉफिट्स पे आते हो। ठीक है, और कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कि आप अपना प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी भी, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस का लॉस तो नहीं होता। आप इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करते हो कि भाई आपने चाहे वो रेस्टोरेंट बिजनेस हो, स्कूल बिजनेस हो, मैं अपना सेंटर खोलूं, तो इवेंचुअली योर टारगेट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट। ठीक है, तो उसमें क्या है, फिर रिटर्न टू द ओनर, जिसने पैसे लगाए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जो नया वेंचर आया, अगर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना है या कोई भी, बहुत से लोग आजकल जैसे आप जानवरों का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने 3 महीने पहले से उन्होंने जो है वो क्या है कि जानवर खरीदना शुरू कर दिया, और उसको उनको जो है वो बहुत से ऐसे हैं कि 6 महीने से दे आर वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो मेन बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं हम बस इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप हमें अपना प्रॉफिट दे देना। ठीक है, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। फिर आपका ये जो प्रॉफिट होता है, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, जैसे कि ईद में जो जितने कपड़े की गारमेंट शॉप्स होती हैं, ठीक है, या मॉल्स होते हैं, उनका 11 महीने इतना बिजनेस नहीं होता जितना ईद पे। अभी तो बंद ही पड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन जब भी खुला है 6-6 बजे सुबह चेस में लाइनें लगी हैं। कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि 6 बजे सुबह चेस पे लाइन होगी। ठीक है, बट क्यों? क्योंकि वो आपका सीजन था। दैट वुडन बी पॉसिबल कि आपके जो रेगुलर डेज में हो, तो बहुत सारे बिजनेस अपना 1 महीने 2 महीने जो उनका सीजन का होता है वो कमाते हैं, पूरे साल वो सर्वाइवल होता है। मरी हो गया, कागान हो गया, सौत हो गया, जैसे तो आपसे बात हो रही थी कि भाई वो उनका जो सीजन होता है वो क्या है, 4 महीने वो कमा लेते हैं। ठीक है, और बाकी 8 महीने क्या होता है, वो उनका सर्वाइवल पीरियड होता है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स और आपकी बिजनेस इट्स काइंड ऑफ कॉमन, शुरू में आपको सारे कॉमन मिलेंगे। रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर कौन से होते हैं? देखो ये स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? पीस है जो आके कंपनी से शेयर्स मतलब खरीदते हैं, जैसे फोर्टी हाँ, परसेंट किसी ने खरीद लिया। 40% तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आपके आपके 1 या 2% इतने ज्यादा हो जाते हैं, 5% या बहुत ही
ये 5% भी इतना, क्योंकि बिलियंस की, अरबों की बात हो रही होती जैसे जो अभी ये आपका अटैक हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी टाइप होती है बिजनेस की, सोल ट्रेडर होता है, पार्टनरशिप होता है। ये हम इंशाल्लाह रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे। सोल ट्रेडर मतलब एक एक बंदा, पार्टनरशिप मतलब कि आप जो है कुछ लोग मिलके बिजनेस करें, ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, वो लिमिटेड कंपनी होती है, यानी ये कि मैं अगर गाड़ी ऑडी, बीच में ये हो रहा था कि ऑडी का प्लांट पाकिस्तान में लगने वाला था। अब अगर ऑडी का प्लांट लगेगा तो जाहिर है ये 10-20 करोड़ की बात तो नहीं है, अरबों रुपए की बात होगी, और अरबों रुपए कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि आप पब्लिक का पैसा जो है बिजनेस में लगाते हो, उसका क्या तरीका है, उनको बोलते हो कि हम आपको शेयर देंगे और आप अपना पैसा बिजनेस में लगाएं, और इन रिटर्न क्या है, हम आपको प्रॉफिट देंगे, तो वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक जो है, हाँ उससे ये भी तो होता है कि अगर अगर जैसे कि पाकिस्तान में कोई चीज़ मिल ली है हाँ और बाहर भी चीज़ मिल ली है, तो ये हाँ होता है कि पाकिस्तान जो है उसको सस्ती में बेचता है, सस्ते में मतलब अपने लोगों को सस्ते में देता है। हाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है, और सही कह रहे हो आप। और लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे टिपिकली स्पीकिंग इधर हम बात कर रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, कि शेयर होल्डर्स ओन लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। जैसे PNG है, यूनिलिवर है, ठीक है, निशाद मिल्स है, गुल अहमद है, आइडियाज हैं, इनके शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में आपके सेल और बाय होते हैं, ठीक है। तो वो जब हम पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे डिटेल में, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे और चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी बस हमने ये समझना है कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं, अब वो पैसा ऐसे तो नहीं लगाते ना, वो अगर मैं 10 लाख लगाऊं, मुझे 10 लाख वापस कर दे क्या फ़ायदा। अगर 10 लाख में लगा रहा हूँ और 12 लाख वापस करे तो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो यानी प्रॉफिट्स के लिए, फिर ग्रोथ का है, कोई चाहे चाहे बैंक अलबीब हो, या खाडीज हो, या आपकी कुलाची हो, या कोई भी आपके इम्तियाज हो, चेज हो, तो ये हर 6 महीने साल बाद देखो आप उनकी नई ब्रांच खुल रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके टारगेट होते हैं कि भाई हमने जो है एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। चाहे वो सैमसंग हो या आपका आईफोन हो, हर साल की मॉडल आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ग्रो करना होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ग्रोथ जो है वन ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये इसी तरह है कि तुम ना O1 में रहो और हर साल फर्स्ट आते रहो, तो घर वाले भी बोलेंगे भाई बहुत हो गया, 2 साल 3 साल से O1 में हो, ठीक है, कुछ फर्स्ट और आ रहे करो। हो, हाँ कुछ और करो, या O2 O3 में जाओ भाई। तो वही वाली बात है, अगर मैं 10 लाख हर साल कमाता रहूँ तो कौन सा तीर मार लिया यार, मेरा कंपेटिटर 50 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, मेरी एक ब्रांच है उसकी 4 ब्रांच हो गई। तो आपका जो टारगेट होता है कि आपने ग्रो करना होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर है आपका मार्केट शेयर। अब ये जो मार्केट शेयर है, ये आपकी जो कंपेटिटर है सेम बिजनेस में होता है, ये नहीं कि मैं कोक का देखूं और टोयोटा का देखूं, या मैं जो है लेस का देखूं और मैं ऐसा है कि नेस्ले का देखूं। आप पेप्सी और कोक का देखेंगे, टोयोटा होंडा का देखेंगे, ठीक है। इसी तरह टपाल है, टपाल का कंपेटिटर कौन है, लिप्टन है, सही है ना, ऐसे ही है ना। आईफोन का कौन सा है कंपेटिटर, एंड्रॉइड एंड्रॉयड है या सैमसंग है कह सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरे फोन सारे आपके, ठीक है। तो ये मार्केट शेयर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कराची में अगर लोग चाय पी रहे हैं तो वो टपाल ज्यादा पी रहे हैं या वो आपके लिप्टन पी रहे हैं, ठीक है। किसका लिप्टन मार्केट शेयर ज्यादा है, सर लिप्टन ठीक है। अच्छा, और अगर मैं पूछूं पाकिस्तान का में, कम लगता है सर, हाँ पाकिस्तान में कोक ज्यादा पी जाती है पेप्सी, दोनों से नहीं, पाकिस्तान में पेप्सी ज्यादा पी जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में शायद आपको पता नहीं हो, मैं US में भी रहा हुआ हूँ ना, ठीक है, तो वहाँ का एक्सपोजर भी 3 साल से ज्यादा रहा हूँ वहाँ पे। तो पूरी पेप्सी दुनिया में, पेप्सी नहीं तो पूरी दुनिया में कोक पी ओवर जाती वर्ल्ड है, चल रही है। नहीं पूरी दुनिया में कोक पी जाती है, पाकिस्तान में क्योंकि सब पहले पेप्सी है बाद में कोक आई, इसलिए पाकिस्तान में पेप्सी पहले ज्यादा चलती है, ठीक है, सही है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि जो है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आप मुझे ये बताओ कि नेस्ले दूध ज्यादा चलता है या ऑलपर, ऑलपर्स क्योंकि ठीक है ऑलपर्स ना, तो उसका ब्रांड है। मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो रही है, मार्केटिंग। तो मार्केट शेयर समझ में आ गया ना कि क्या चीज होती है, कि आप देखते हैं कि भाई आपकी कंपनी की सेल टोटल मार्केट सेल से कैसे है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो पहले जो है वारिद का और ये जैस का अलग अलग, एक का 15% शेयर था, एक का 25%, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम मर्जर कर लेते हैं, क्योंकि यूफोन जो है वो ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो उन्होंने दे गॉट मर्ज, अब एक ही कंपनी हो गई। शायद पता हो तुम्हें कि वारिद और जैस जो है इट्स सेम कंपनी, ठीक है ना, जैस उससे उनका मार्केट शेयर बढ़ा है या गिर गया। तो बढ़ेगा हाँ बस बात समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है।
उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू सोसाइटी, सोशल एंटरप्राइज आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये आपकी जो सोशल एंटरप्राइजेज होती हैं, तो इनकी जो है दे डू नॉट जस्ट हैव अ प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव, तो उनके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो हम बात करेंगे कौन सी आपकी सोशल एंटरप्राइजेस होती हैं। सोशल टू प्रोवाइड जॉब्स एंड सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन सोसाइटी, एनजीओज होती हैं ये, ठीक है। या एनवायरमेंटल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, फाइनेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट, टू इन्वेस्ट बैक इन टू द सोशल एंटरप्राइज। अब हम समझ लेते हैं, जैसे ये इंडिया की एक कंपनी की एग्जाम्पल दी है कि भाई वो ये हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे ना हाथ से बनाने वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे हमारी जैनब मार्केट है, या हमने बात की थी जो हमारी इंटीरियर की सिंध की मार्केट होती है अजरक, और इस तरह तो वो अजरक उसमें, और अली हाँ तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के लोकल लोगों को भी जॉब मिलती है, एक तो ये फायदा है। दूसरा ये होता है कि भाई आपको भी प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। फिर इसी क्योंकि तरह सर इसकी दूसरा, प्राइसेस ज्यादा होती है, मेहनत ज्यादा हाँ लगती है। एग्जैक्टली। तो प्रोवाइड सर्विस टू द कम्युनिटी में ये जो सर्विसेज हैं, जैसे कि कराची क्लब है या जिमखाना है या आपके सिंध क्लब है और दूसरे हैं, तो वो या आपका जौहर में कौन सा वाला है, पवेलियन एंड ना, ठीक है। तो वो एक तो ये कि मेंबर्स की फीस है, फिर वही फीस जो है वो अपनी जो है बेटरमेंट किसे क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके लिए वापस लगा देते हैं। कुछ उनका प्रॉफिट हुआ और कुछ जो है उन्होंने वापस लगा दिया, ठीक है। फिर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो जैसे कि वो कौन सी थी, जेडी करके, अभी बीच में पेंडेमिक में एडीसी वो नहीं, एक तो जेडी थी और पता नहीं कितनी, जैसे वो नहीं राशन वाशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, क्या कर रही थी, एनजीओज जेडीसी वगैरह थी, जेडीसी जेडीसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, ठीक है। इसी तरह वो उसकी भी थी एक और यार जो गुलशन में से इलेक्ट हुआ था बंदा ना, और वो हाँ आलमगीर आलमगीर, फिक्स बिल्कुल सही, फिक्स है, बात समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है ना। तो वो जो है ना, ये इनके क्या होता है भाई, यही के सोशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो वो जो है ये लोगों की बेटरमेंट वगैरह के लिए काम कर रही होती है। बाद में ये अलग बात है कि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ऐसी हैं कि जो के पर्सन लोगों के लिए काम कर रही होती है, ठीक है। अब ये सवाल होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज क्यों हो जाते हैं। देखो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त जा रहा हूँ, अचानक से कोरोना आ गया, पेंडेमिक आ गया, बैंड बज गई, लिटरली बिजनेस लॉस। लॉसेस। तो आप जो है प्रॉफिट से फिर किस में चले जाते हो वापस, सर्वाइवल से, किस में चले जाते हो प्रॉफिट से, सर्वाइवल। सर्वाइवल इससे मतलब हुआ कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है 2 साल 3 साल में सर्वाइवल में हूँ, मैं अब सेट हो गया हूँ, तो मैं सर्वाइवल से अब जाऊँगा प्रॉफिट में। फिर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं बोलता हूँ यार बहुत है, जैसे इम्तियाज के 20-30 साल तक 3 स्टोर थे, अब कितने स्टोर हैं उनके, तकरीबन 11 या 12 स्टोर हैं, ठीक है ना। तो अब वो क्या है उनका, मुझे बताओ कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, मैं ऑब्जेक्टिव के पे आ जाता हूँ, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट द ऑब्जेक्टिव्स, और मुझे आप बताओ कि इम्तियाज का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल है, प्रॉफिट है या ग्रोथ है, कौन सा वाला है। ग्रोथ पहले तीन तीन थे, ठीक है, अब जो है 11, वेरी गुड, ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग इट। तो देखो बिजनेस की ब्यूटी यही है सब्जेक्ट की, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द डेली लाइफ। आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ रहे हो तो इंग्लिश, दिस इज नॉट एक्चुअली क्लोज, वो बुकिश नॉलेज होती है, ये स्टूडेंट को इसलिए ठग करके समझ में आ जाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट द यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होती है, क्योंकि आप जा रहे हो तो आपको बिलबोर्ड पे एडवर्टाइजिंग से आप गेटोरेड लॉन्च हो रहा है किया पेप्सी ने, ठीक है, उसकी जो है आपकी सोशल मीडिया कैंपेन हुई, ठीक है, वो हमारा आगे पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा किस तरह इंट्रोडक्शन होती है, हमारे 7 चैप्टर सिर्फ मार्केटिंग पे, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट द मार्केटिंग, इसके जो अच्छी मार्केटिंग करता है तो वही प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होती है, ठीक है ना। तो ये दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट टू इट। अच्छा, अब फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्यों चेंज होते हैं, हम ये देख लेते हैं, तीन बता रहे हैं। अ बिजनेस सेटअप रिसेंटली हैज सर्वाइव फॉर 3 ईयर्स एंड द ओनर नाउ एम्स टू वर्क टूवर्ड हायर प्रॉफिट, ये हमने बात कर ली, पहले सर्वाइव 3 साल के लिए कर रहा था, फिर हायर प्रॉफिट पे हो गया। सेकेंड क्या है, अ बिजनेस हैज अचीव्ड हायर मार्केट शेयर एंड नाउ हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न्स फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड क्या है, अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑपरेट्स इन अ कंट्री फेसिंग अ सीरियस इकोनॉमिक रिसेशन, जैसे अब तो पूरी दुनिया में रिसेशन हो रहा है। रिसेशन का मतलब क्या है कि भाई इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन हो गई, स्लो डाउन क्यों हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो वो क्या प्रोडक्ट्स लेंगे, ना गाड़ियों की सेल हो रही है, ना कपड़ों की सेल हो रही है, ना आपकी जो है लग्जरी, आपके LEDs बिक रहे हैं इतनी ज्यादा जैसे पहले बिक रहे थे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द सर्वाइवल। अब हम एक और दूसरे आखिरी जो हमारा एस्पेक्ट है
जो इस टॉपिक का, ठीक है, कि विच स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। अब आमतौर पे हम एक तो स्टेक वो होता है खाने वाला, भाई वो खाने वाला स्टेक नहीं है, ठीक है ना। और एक स्टेक होल्डर होता है जो कि, अभी हमने ऊपर शेयर होल्डर पढ़ा, तो शेयर होल्डर अलग है, स्टेक होल्डर अलग है। स्टेक होल्डर कौन है? इज एनी पर्सन और ग्रुप विद इन अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। सिंपली स्पीकिंग, आसान लफ्जों में, कि बिजनेस से जिसका भी कोई लिंक होगा या ताल्लुक होगा तो वो स्टेक होल्डर है। जैसे कि ओनर है, कंज्यूमर है। अब ओनर का क्या, उसका इंटरेस्ट है कि उसने पैसे लगाए। कंज्यूमर का आईफोन से क्या इंटरेस्ट है? उसे भाई जबरदस्त क्या है, उसने 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं तो उसे एक्सेलेंट किस्म का, बगैर किसी फॉल्ट के, उसको जो है आईफोन 11 बेहतरीन चाहिए, ठीक है ना। वर्कर्स का क्या इंटरेस्ट है बिजनेस में? हाँ भाई, जवाब। वर्कर का बिजनेस में इंटरेस्ट ये है कि एक तो मैं अगर जॉब कर रहा वो हूँ का ग्रेगरी में, सेंट ग्रेगरी में, मेरा इंटरेस्ट क्या है? महीने के एंड में क्या मिलना चाहिए मुझे? आपको सैलरी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि कल फोन आ रहा है, हाँ भाई हमारे हालात खराब हो रहे हैं तो वी डोंट रिक्वायर्ड यू एनी मोर, जैसे आजकल हर दूसरी कंपनी में हो रहा है। हजारों जो एमिरेट्स ने, जॉबलेस कर रहे हैं सब। हाँ एमिरेट्स ने कितने हजारों बंदा निकाला है, पायलट्स और उसका जो जितना भी ग्राउंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट, इसी तरह पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि एक तो होता है ना लाख, एक होता है मिलियंस। मिलियंस में जो, तो आपका सिर्फ US में 4 करोड़ बंदा जॉबलेस हो गया, 4 करोड़ बंदा, ठीक है ना। तो ये आपकी स्टैट्स है, फिगर्स हैं, ठीक है। आई नो पर्सनली सो मेनी वन, लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल ऐसे नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा कि इट विल कम बैक। 2008 में जो रिसेशन आया था उसमें सिर्फ अमेरिका में 200 से ज़्यादा बैंक जो है वो बंद हो गए थे, ठीक है। तो बाद में हालात अच्छे नहीं हुए, बिल्कुल अच्छे हुए, ठीक है ना। तो इट विल कम बैक। जैसे चाइना जो है अब वापस अपने ट्रैक पे आ गया है, आ गया है, पूरी दुनिया अभी तक फंसी है, चाइना निकल गया, मजे की बात। देखा गवर्नमेंट चाइना के, में भी है, हाँ उन्होंने क्या हुआ? छुपाए हुए केसेस, बैंक हाँ केसेस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल अलग बिल्कुल, अलग वायरस निकाले हैं मतलब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि वरना फिर प्रोडक्ट्स वही नहीं लेगा ना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होता है बिजनेस से? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सर वो पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, क्या नाम होता है, टी से बोलते हैं उसे, क्या लेना होता है उन्होंने भाई, क्या हर हर प्रोडक्ट पे क्या लगता है वो, या प्रॉफिट पे क्या चीज नहीं, लगती है? टी नहीं, ए इतना नहीं, याद नहीं आ रहा। टैक्स, टैक्स लगता है कि नहीं लगता, टैक्स, ठीक है ना। टैक्स, हाँ हाँ टैक्स। टैक्सेस, तो टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज्यादा टैक्सेस होंगे। आप जो भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, चाहे आप स्लाइस जूस पी रहे हो या आप ब्रेड ले रहे हो, आप देखो कि मेट्रो पे जाओ या आप इम्तियाज पे जाओ तो अलग कॉलम आपको नजर आएगा टैक्सेस का, कि वो जो है GST, जनरल सेल्स टैक्स। मैं बिजली का बिल देता हूँ तो उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा, ठीक है। तो हर चीज पे आपका टैक्स होता है, गवर्नमेंट डू चार्ज। मैनेजर्स का क्या इंटरेस्ट है? मैनेजर्स हाँ जी, मैनेजर है अगर, तो सबसे पहले तो वो कोशिश, उसका ये इंटरेस्ट होगा कि भाई वो जो है बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपकी जॉब भी रहेगी। एक तो उनकी जॉब रहेगी, और दूसरी प्रमोट भी हो सकते हो। प्रमोशन, वेरी गुड, ठीक है ना। ये ठीक है, सेकंड बात थी मेरी, अच्छा आपने कैच कर लिया। क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो प्रमोशन कैसी होगी, वही वाली बात है। बैंक्स का क्या इंटरेस्ट है बिजनेस से? बैंक्स बैंक से क्या अगर मैं होगा लोन ले रहा हूँ बैंक से तो मैं, आप बैंक का क्या इंटरेस्ट है? सर, वो आपसे 50 या 25% लेता है। नहीं, जैसे मैंने 10 लाख का लोन लिया तो अब मैं 10 लाख वापस करूंगा या 10 लाख से ऊपर वापस करूंगा उसे? 10 लाख से ऊपर करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक तो वो जो लोन लिया है वो इंटरेस्ट है उसका, दूसरा वो जिसे इंटरेस्ट कहते हैं तो उसे इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट है ना, ठीक है। तो उससे उसका प्रॉफिट है, दिस इज हाउ दे मेक मनी, राइट। चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन हो, तो वो 20-30% तो दे रियली चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ इट, ठीक है। तो बैंक का इंटरेस्ट का हो गया, ठीक है। होल कम्युनिटी का क्या है, कम्युनिटी का क्या इंटरेस्ट है, सोसाइटी का? सोसाइटी का सर इंटरेस्ट तो नहीं होता कि इंटरेस्ट नहीं सोसाइटी से होता कौन लेकिन सा कॉस्ट हो सकती है, जैसे हम दे बोलें तो वो क्या कॉस्ट हो सकती है। हाँ ये अगर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, ये क्या पॉल्यूशन, तो 3 तरह के होते हैं, साउंड भी पॉल्यूशन होता है, नॉइज भी है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, फैक्ट्री लगी हुई है उससे धुआं निकल रहा है, ऐसी है ना।
अब मुझे एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में वो गाय वाले मंडी वो आ जाए बकरे और गाय लेके बेचना शुरू कर दें, तो आप चुप रहोगे या मना करोगे उनको? करेंगे। मना करेंगे ना। तो आपका इंटरेस्ट क्या हुआ कि भाई आपकी जो रेजिडेंशियल है वो जैसे DHA में क्या होता है, कमर्शियल एरिया अलग होता है और रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है। कमर्शियल स्ट्रीट्स होती हैं, कमर्शियल एरियाज होते हैं, ठीक है। शहर कमर्शियल है, बदर कमर्शियल है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एरियाज हैं उनके। तो वो जो है कम्युनिटी का ये देखो इंटरेस्ट ये होता है कि भाई एक तो आप ये पोल्यूशन ना करो, दूसरा हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना करो, और दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन होना चाहिए। इसीलिए जितनी प्रोडक्ट भी आ रही हैं, आपको पता है कि पेप्सी ने वो ऐसी बोतल निकाली है जो कि गत्ते की बोतल निकाली है और डिजॉल्व हो जाएगी बाद में खुद ही। आप भी बोलोगे यार ये गत्ते की अजीब, ये कैसी कागज की या गत्ते की निकलेगी? तो इसी तरह से न्यू स्लाइस इन्वेंशन स्लाइस भी तो गत्ते में आ रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा? क्यों, प्लास्टिक ऐसा है कि 100 साल भी ना पड़ा रहे तो वो ऐसा एलिमेंट होता है कि वो डिजोल्व भी नहीं होता। तो उससे आपको पता है कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है। फिर माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो है वो ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा है कि बारिश में क्या होता है कि वो जो है ड्रेनेज की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो है फिर ओवरफ्लो हो रहे होते हैं और फिर वो गाड़ियां भी तैर रही होती हैं, बाइकें भी तैर रही सेवरेज होती हैं। सिस्टम सही नहीं है माशाल्लाह से नौनवाद की आपने क्लिप्स देखी होंगी कि किस तरह कि गाड़ियां सर वो फ्लो भाई फ्लोट की कर तरह रही होती थी हैं। हाँ बाइकें क्या, देखी थी। गाड़ियां फ्लोट कर रही थी, क्योंकि मेरा एक स्कूल था विजिटिंग फैल्कन हाउस, वहाँ पे तो आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पे बारिश पे तो नहीं था, लेकिन जब मैं बाद में कुछ दिन बाद गया तो वहाँ बेसमेंट में भी पानी आया हुआ, सारे पास पेपर्स खराब हुए, सब कुछ जो घरों के अंदर तक पानी गया हुआ होता है। तो वो वाई बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वी स्टडीड सो फार। हमारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, आर द एम्स और टारगेट्स दैट अ बिजनेस वर्क्स टूवर्ड्स। व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? पहला होता है आपका बिजनेस सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट, रिटर्न एंड शेयर होल्डर रिटर्न टू ग्रोथ शेयर। ऑफ हाँ, ग्रोथ बिजनेस ऑफ द मार्केट बिजनेस है, शेयर इन मार्केट द शेयर है, कम्युनिटी। सर्विस टू द कम्युनिटी, एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर है। यहाँ पे कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, नहीं सर आगे सर गुड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द वन हु आर रिलेटेड टू द बिजनेस और हु हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन टू द बिजनेस, ठीक है। ओनर्स है, ओनर्स का क्या है, रिटर्न जो कि प्रॉफिट्स। कंज्यूमर्स दे वांट द राइट प्रोडक्ट एट द गुड गुड प्राइस, क्वालिटी है, प्राइस है, कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। वर्कर्स उन्हें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए और जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा ही है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहते हैं टैक्सेस दो और कंज्यूमर्स को या तंग नहीं करो, प्रोडक्ट प्राइसेस जो है रीजनेबल चार्ज करो, ठीक है। मैनेजर्स, मैनेजर्स कहता है कि ग्रोथ होनी चाहिए, उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं रीजंस के, सैलरी एंड प्रोमोशन, ठीक है। बैंक्स का क्या बात हुई थी, क्या चाहिए बैंक्स को? लोन लेते हैं लो तो हाँ, तो बैंक रिटर्न ऑफ द इंटरेस्ट सही लोन है, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट चाहिए, सही गुड। है। कम्युनिटी का ये है कि दे वांट टू मेक श्योर कि एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, इज नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल बाय द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी होती है तो ओनर जो बिजनेस को प्रॉफिट मिल गया, कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल गई, तो भाई कम्युनिटी क्यों सफर करे? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कम्युनिटी कहती है कि आप भले बिजनेस करो पर हमें जो है तंग ना करो, ठीक है, हमारी एक्टिविटी। क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि पार्किंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैं नाजमाबाद में रहता हूँ, वहाँ जो इम्तियाज खुला वहाँ की पड़ोसियों ने उन्होंने केस कर दिया। वो कहते हैं भाई इतनी गाड़ियाँ हमारे गेट के आगे गाड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है, हमारे हर वक्त जो है हम सुकून से नहीं रह सकते, शोर मचा रहता है, ठीक है। तो एक कमर्शियल हो गई, आपको पता है कि हजारों बंदा आता है इम्तियाज में, तो आपके घर के बराबर में अगर इमेजिन करो चेस या इम्तियाज खुल जाए तो क्या हाल होगा आपका, तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक यस सर है ना। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी सो फार एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव फिनिश अवर सिलेबस एज वेल फॉर द बिजनेस स्टडीज, ओके। एंड नाउ व्हाट वी गोना डू, अब मैं आपको जो है वो जो टेस्ट है आई एम गोइंग टू शेयर दैट वन, सो दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी।